अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी रैम और डिफरेंट टाइप्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम एंड व्हाट इज़ रैम, हमने इसे बड़ी डिटेल में देखना है। लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था वो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में था। हमने वॉन न्यूमान डिज़ाइन को देखा था। वॉन न्यूमान डिज़ाइन हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था कि किस सेंचुरी में किस साइंटिस्ट ने ये वॉन न्यूमान डिज़ाइन बनाया, इसका नाम वॉन न्यूमान क्यों रखा गया। और बेसिकली हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं सुना, तो हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने कहा था कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं हमारे पास, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं आपस में। जब कंप्यूटर वर्क करता है तो उसमें मौजूद ऑल द कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड दे कम्युनिकेट विद वन अनदर। एक दूसरे से उनकी कम्युनिकेशन भी लाजमी होती है और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं। और ये चीज़ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, वो सब आपस में कैसे ये कनेक्शन होता है या किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, वो तरीक़ाकार जिसमें वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में ही हमने देखा था कि हमारे पास जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं इसके, हमारे पास वो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट और बस इंटरकनेक्शन है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सीपीयू क्या है, इसको हमने डिटेल में देखा था। और हमने देखा था कि मेन मेमोरी क्या है, और आज इसी को रैम को हम ले कर चलेंगे कि हमारे पास रैम क्या है और रैम की कितनी टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ रैम, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। बुक को आप फॉलो करेंगे, साथ साथ बुक रखेंगे। बेसिकली आप लोगों के लिए ये आसान करना मतलब है इस लेक्चर से कि कुछ स्टूडेंट्स जो स्लाइड से पढ़ना पसंद नहीं करते, जो ये चाहते हैं कि हमें पेपर की प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट, बुक टू बुक पढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी दी जाए लेकिन जो बुक में है वो वर्ड टू वर्ड हमें कवर करवाया जाए, हमें डिटेल में बताया जाए। तो इसलिए मैंने ये स्पेशल लेक्चर्स बनाए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग उनको वो चीज़ मिले जो आप लोगों को इंटरनेट पर बाकी लेक्चर्स में इस तरह से या इस हिसाब से नहीं मिलती। स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। बच्चे यहाँ बताया जा रहा है कि रैम किस चीज़ का एब्रीविएशन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। और हम क्या करते हैं, कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी हम इसको कहते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रैम का काम क्या होता है, जो चीज़ें हमारी, जो प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जो डेटा हमारा यूज़ हो रहा होता है वो रैम में स्टोर होता है। क्योंकि वो असेस हो रहा होता है अगेन एंड अगेन, वो इन असेस होता है, वर्किंग एरिया है रैम, इसी वजह से इसको रैंडम असेस मेमोरी भी कहा जाता है या डायरेक्ट असेस मेमोरी भी कहा जाता है कि डायरेक्टली रैम को असेस किया जाता है किसी भी एड्रेस को रैम के। रैंडम असेस मीन दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन इंटायर मेमोरी कैन बी असेस्ड डायरेक्टली। रैंडम असेस से मुराद है कि हर एक बाइट, जितने भी बाइट्स उस मेमोरी के हैं, जितने भी साइज़ की रैम है, वो सेल्स में डिवाइड होगी, उन सेल्स के बाइट्स बने होंगे। 8 सेल्स मिलके 1 cell 1 bit साइज़ का होता है और 8 सेल्स मिलके 1 byte बनेगा। तो बाइट्स में डिवाइड होते हैं और हर एक बाइट को एक एड्रेस असाइन किया गया होता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि हर एक बाइट को इंडिविजुअली असेस किया जा सकता है अलग अलग से, डायरेक्टली जिस भी बाइट पे आप डेटा असेस करना चाहते हैं, वो रैम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि उसके हर एक बाइट को डायरेक्टली असेस किया जा सके। रैम इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली। चूँकि रैम हमारी फास्ट मेमोरी है, रैम हमारी एक क्या है, स्पीड अप मेमोरी है, तेज़ मेमोरी है, ये हमारे काम को स्पीड अप करती है। इसमें जो भी डेटा और जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो इसलिए होता है कि वो
क्या उस पे हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है, वही अंडर प्रोसेस होता है, उसी पे वर्क हो रहा होता है। इसलिए बजाय इसके कि उसको हार्ड डिस्क पे या सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर किया जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, रैम में टेम्परेरीली उसे लाया जाता है, और जब तक वो एग्जीक्यूशन, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, उसे रैम में ही रहने दिया जाता है। तो इससे हमारे पास रैम को इसलिए टेम्परेरी मेमोरी का नाम भी दिया जाता है, और इंस्ट्रक्शंस जो इसमें होती हैं वो टेम्परेरीली होती हैं। जैसे ही वो प्रोग्राम, जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होता है, तो रैम फ्री हो जाती है उस डेटा और उस प्रोग्राम से। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल हमें पता है, उड़ जाने वाला, जिसे हम कहते हैं, जैसे परफ्यूम्स हमारे पास वोलेटाइल होते हैं, आप उनकी बॉटल खोलें तो उसके फ्यूम्स, उसके वेपर्स उड़ जाते हैं। इस तरह ही जब रैम में जो प्रोग्राम, जिस जो टास्क कंप्लीट हो जाता है, जिसे आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर देते हैं या जिसको आप क्लोज कर देते हैं, वो रैम से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, रैम उससे फ्री हो जाती है, और इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इट मींस दैट इट्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। कह रहे हैं कि इसका, इससे मुराद यही हुई वोलेटाइल होने से, कि जब पावर ऑफ किया आपने, शट डाउन किया कंप्यूटर को, तो जो भी उस रैम में कंटेंट पहले मौजूद थे जब वर्क हो रहा था, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंटेंट लॉस्ट हो जाएंगे। रैम इज़ रीड राइट मेमोरी। रैम रीड राइट मेमोरी है, आप रैम में रीड भी कर सकते हैं, रैम से रीड भी करवा सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सीपीयू कैन रीड डेटा फ्रॉम रैम एंड राइट डेटा टू द रैम। सीपीयू जब भी चाहे वो रैम से डेटा, चीज़ें रीड भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है अपने अंदर, और जो सीपीयू के पास डेटा है वो उसको राइट भी कर सकता है, मतलब वो रैम को भी प्रोवाइड कर सकता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज़ बींग एग्जीक्यूटेड। कह रहे हैं कि रैम तब इस्तेमाल होगी जब डेटा कोई भी या कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तब वो रैम में मौजूद होगी। रैम इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम मेन है, जिस भी चीज़ ने, जिस भी प्रोग्राम ने, जिस भी टास्क ने एग्जीक्यूट होना है, वो मेन जगह पे आ जाएगी, मतलब कि वो रैम में आ जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा टास्क, आप उसे क्लोज करेंगे, तो उसका डेटा, उसका जो भी प्रोग्राम है, वो अगेन स्टोर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज पे या हार्ड डिस्क पे। रैम नेक्स्ट हमारे पास, ये देखें, ये हमने कंप्लीट किया है कि हमारे पास रैम क्या है, रैम का दूसरे नाम क्या हैं, या इसकी फंक्शनिंग क्या है। ये रैम की आपको एक डायग्राम भी दी गई है, आपको मैं लेक्चर के एंड में डायग्राम भी ऐड कर दूंगी, जिससे आप रैम को देख सकेंगे। मैं उसको लगा दूंगी साथ टाइटल की, ये रैम है, कि आपको नज़र आ जाएगी किस तरह की, बेसिकली किस शेप की कंप्यूटर रैम होती है। अच्छा जी, रैम इज़ बिल्ट बाई यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। दो तरह की टेक्निक्स, ये बेसिक टू टेक्निक्स आपके सामने हैं जो डिस्कस्ड हैं बुक में, कि डी रैम और एस रैम, ये दो तरह की रैम्स हैं, डी रैम एंड एस रैम। दो टेक्निक से रैम हमारे पास बनाई जाती हैं। जो फर्स्ट टेक्निक है हमारी, वो है डी रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ a type of memory that is used in most computers. It is the least expensive kind of RAM. कि कह रहे हैं कि हमारे पास डी रैम का मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि डायनामिकली आप इसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो मेमोरी है वो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, जो डी रैम है वो कॉमनली यूज़ होती है, और लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब सबसे कम महंगा होना, कि ये सबसे कम महंगी है ये रैम। डी रैम रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। कह रहे हैं कि अब वर्किंग क्या है, या किस तरह से डी रैम काम करती है, डी रैम को करंट चाहिए होता है अपनी स्टेट मेंटेन करने के लिए। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ डी रैम डिक्रीजेस विद टाइम, दैट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा। कह रहे हैं कि वक्त के साथ या टाइम के साथ क्या होता है, डी रैम की जो चार्जिंग होती है या इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसका,
वो डिक्रीज़ होता जाता है, और जैसे जैसे उसका चार्ज विद टाइम डिक्रीज़ होगा तो उसका डेटा फिर लूज़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये रिक्वायरमेंट है डी रैम की कि इसको इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए होता है। तो डी रैम इज़ रिचार्ज और रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डेटा। देखें ये सस्ती तो है, ये रैम डी रैम हमारे पास एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ती है, महंगी नहीं है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक स्टेट, फिर एक ये भी इसका इशू है कि इसे अगेन एंड अगेन क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है या रिचार्ज करना पड़ता है। द प्रोसेसर कैन नॉट असेस द डेटा ऑफ डी रैम व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड। तो देखें जिस टाइम डी रैम रिफ्रेश हो रही होगी या रिचार्ज हो रही होगी उस टाइम प्रोसेसर उसका डेटा असेस नहीं कर पाएगा, दैट इज़ वाई इट इज़ स्लो। तो फिर इसका एक ड्रॉबैक भी है कि आप डायनामिकली इसको असेस तो कर सकते हैं, ये सस्ती भी है, लेकिन इसको चूंकि अपना इलेक्ट्रिकल स्टेट मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए होता है बार बार, तो फिर इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये स्लो होगी, क्योंकि जब भी ये ख़ुद को चार्ज कर रही होगी, रिफ़्रेश कर रही होगी, उस टाइम इसका डेटा अवेलेबल रैम का नहीं होगा प्रोसेसर को, इस वजह से ये स्लो है। दूसरी जो हमारे पास स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो हमारे पास इसमें क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम स्टैंड फॉर, एंड इट कैन स्टोर डेटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। जैसे हमें इसमें फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग की ज़रूरत थी, हमें द मेमोरी सेल्स आर मेड फ्रॉम डिजिटल गेट्स। हमारे जो रैंडम एक्सेस मेमोरी थी डी रैम, इसमें हमें अगेन एंड अगेन रिफ्रेश या रिचार्ज चाहिए था, लेकिन जो हमारी एस रैम है इसके मेमोरी सेल्स किससे बने होते हैं, डिजिटल गेट्स से बने होते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हुई है वो डिजिटल गेट्स की टेक्नोलॉजी है। ईच सेल कैन स्टोर डेटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग, और हर एक सेल ये डिजिटल गेट्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से इसको फ्रीक्वेंट बार बार से रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती। CPU does not need to wait to assess data from SRAM during processing, और इसी वजह से जब हमारा CPU जो है, जो प्रोसेसर है, जब उसने डेटा एस रैम से असेस करना हो तो उसको कोई वेट नहीं करना पड़ता, कोई डिले नहीं होता जैसा कि डी रैम में डिले होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर देन डी रैम। इसी वजह से ये डी रैम से फास्टर भी है। इट यूटिलाइज लेस पावर देन डी रैम। ये डी रैम से कम पावर लेती है, कम चार्जिंग लेती है। एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव। एस रैम ज़्यादा महंगी है। देखें चूँकि ये हमारे पास इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, इसके फ़ायदे हैं, इसी वजह से ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। इट नॉर्मली इज़ यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैश मेमोरी। कहते हैं कि फिर ये जो रैम है, ये जो हमारे पास एस रैम है, ये किस लिए फिर यूज़ होती है, क्योंकि इसमें डिजिटल गेट्स की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट है एज़ कम्पेयर टू डी रैम, इसी वजह से ये एक्सपेंसिव है, और साथ साथ ये पावर भी लेस यूटिलाइज करती है, कम इसे चार्जिंग, कम इसको पावर चाहिए, तो ये ज़्यादा महंगी है। और इसे किस इस्तेमाल में लाया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है फास्ट मेमोरी बनाने के लिए, जिसे हम कैश मेमोरी भी कहते हैं, एक तेज़ तरीन मेमोरी बनाने के लिए जिसे कैश मेमोरी का नाम दिया जाता है, इसके लिए ये रैम यूज़ होती है। तो बेसिकली बच्चे ये यहाँ टॉपिक एंड होता है रैम का। दो टाइप्स या दो आप कह लें, हमने इसकी रैम की टेक्निक्स देखी, रैम को बिल्ड करने के लिए दो तरह की टेक्निक्स या टाइप्स यूज़ हुई। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ कि जो मेन मेमोरी है हम उसको रैम का नाम देते हैं, और हमारे पास मेन मेमोरी की या रैम की जो है टेक्नोलॉजी, ये दो तरह की होती हैं जिन पे बिल्ड किया जाता है, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। और मेन मेमोरी में आपको पता होना चाहिए कि मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं, रैम को रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी हम इसे कहते हैं, और इसे हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि रैम को ही मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज,
और डायरेक्ट असेस मेमोरी, रैंडम असेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ये सारे के सारे नाम एक रैम के ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। और इसी तरह हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज या हार्ड डिस्क भी कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रोम क्या है हमारे पास, और रोम की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है रोम में, रैम में हमारे पास।